हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी टेस्टी आलू प्याज की पूरी। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। आज नया टाइप का एक पूरी बनाऊंगी, तो इसके लिए चाहिए एक कच्चा आलू। आलू ऐसे छोटा छोटा पीसेस में कट के रखा, और एक ओनियन व प्याज वो भी बारीक चॉप करके रखा, ग्रीन चिली लिया और एक इंच जिंजर। तो सारे चीज ग्राइंडर का जार में पीस के पहले रेडी करूंगी। और पीस के रेडी कर लेती हूँ। ऐसे पीस के रेडी कर लिया, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। गेहूं का आटा ले लिया और जो आलू प्याज ग्रीन चिली जिंजर सारे पीस के रेडी किया, वो पेस्ट इधर ऐड कर दूंगी। इसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया और आगे भी नहीं करूंगी, यही पेस्ट से डो बनाऊंगी। अभी ऐड करूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, वाइट तेल, हरे धनिया और ऐड करूंगी 2 चम्मच ऑयल क्रिस्पी बनाने के लिए। अब थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स करके डो बना लूंगी। जैसे पूरी का स्टिफ्ट डो बनता है ऐसे बना लूंगी। बहुत ही इजी से बन जाते हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। ये नया टाइप का पूरी पराठा बना के आप लोग बच्चे लोग को टिफिन में भी दे सकते हैं। ऐसे अच्छी तरह से मिक्स करके आटा गूंद के रेडी कर लेती हूँ। अच्छी तरह से मल मल के रेडी किया। अभी छोटा छोटा बॉल्स बना लूँगी और पूरी बेल के रेडी करूंगी। अभी रोलिंग पैन और बेलन ले लिया, उसमें बेल के रेडी कर लेती हूँ। मैं गेहूं का आटा से बना रही हूँ हेल्दी बनाने के लिए, आप लोग मैदा भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही सारी पूरी बना के रेडी कर लेती हूँ। ऐसे ही सारे पूरी को बेल के रेडी हो गया और चलते हैं फ्राइंग के लिए। ऑयल गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया था। ऐसे हल्का प्रेस करते हुए पूरी को फ्राई कर लेने का। हल्का सा प्रेस करते हुए ऐसे दबाएंगे तो अपने आप फूल के रेडी हो जाता है। दोनों साइड अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी। देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छा पूरी फूल के रेडी हो गया। ऐसे दोनों साइड पलट पलट के अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी।
सेम प्रोसेस में सारे पूरी को फ्राई कर लेती हूँ। ये अचार के साथ, चाय के साथ, ऐसे आलू प्याज का कचौरी वा पूरी बोल सकते हैं, ऐसे बना के खा सकते हैं। बहुत ही इजी से बहुत ही स्वादिष्ट पूरी बन जाते हैं। बनाने में भी ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता है। टेस्टी आलू प्याज की पूरी बन के रेडी हो गया, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आप लोग का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।